दिस वीडियो इज को प्रेजेंटेड बाय त्रिपुर यात्रा। त्रिपुर यात्रा सेवा समिति के साथ करें रामेश्वर धाम की यात्रा। सुरक्षित और किफायती पैकेज में बिना किसी चिंता के भोजन से लेकर होटल तक सर्व सुविधाओं के साथ अपनी यात्रा को बनाए आनंदमय और यादगार। पैकेज बुक करने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। मेहर धाम से अनूपपुर वापस लौट रही एक जीप 21 अक्टूबर की सुबह 3 बजे कौदेली गांव के पास अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस एक्सीडेंट में 22 यात्री घायल हो गए जबकि एक किशोरी की मौत हो गई। घटना नेशनल हाईवे 43 पर सुबह 3 बजे हुई। इस वाहन में लगभग 25 यात्री सवार थे। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है जिन्हें उपचार के लिए शहडोल जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए बढ़ते हैं हमारे सहयोगी अमन की ओर। जी अमन, एक बहुत दुखद घटना सामने निकल करके आई है, तो कैसे कुछ ये हादसा हुआ और क्या कुछ डेवलपमेंट देखा गया है केस में अब तक? और अमन, खबर ये भी है कि एक किशोरी की मृत्यु हो चुकी है, क्या कुछ हुआ है केस में? जी देखिए, बिल्कुल, ये जो पटेल परिवार था या इनके जो भी समाज था, दनगुमा गांव के रहने वाले ये लोग थे और 19 अक्टूबर को ये लोग अपने परिवार या अपने संबंधियों के जो बच्चे थे, लगभग 4-5 बच्चे, उनका मुंडन कराने के लिए मैहर गए हुए थे। मैहर एक धार्मिक पर्यटन स्थल है और वहां पर मंदिर है, तो वहां पर ये कार्यक्रम था। 19 को ये लोग निकले हुए थे, 20 को ये कार्यक्रम था और 21 की रात को ये मैहर से वापस लौट रहे थे अनूपपुर। और ये रात में चूंकि लौट रहे थे, इसलिए अधिकतर जो कहना चाहिए यात्री हैं, वे सो रहे थे या उन्हें नींद आ रही थी। और ये रात में लगभग 3 बजे, ऐसा बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर था, वाहन चालक था, उसे भी नींद आने लगी, वो भी झपकियां लेने लगा और इसी के चक्कर में जो गाड़ी है, वाहन है, वो अनियंत्रित हो गया और खेत में जाकर के पलट गया। कोदेली गांव के पास ये घटना हुई है। इस जीप में, ये जो वाहन था, इसमें लगभग 25 यात्री सवार थे, जिनमें से 22 को चोटें आई हैं, घायल हुए हैं और इनमें से 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इन्हें फिलहाल शहडोल जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है और एक जो किशोरी, 16 वर्ष की उम्र की एक किशोरी जिसका नाम कीर्ति पटेल था, उसकी मृत्यु की खबर भी सामने आई है। तो ये फिलहाल इस दुखद घटना से हमें जानकारी मिली है और जब ये खबर पुलिस विभाग को मिली तो मौके पर पहुंचकर उन्होंने मुआयना किया है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और ये जो किशोरी थी, बालिका थी, इसकी जांच की गई, इसका पंचनामा तैयार किया गया, बाद में उसके शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया। तो फिलहाल ये अभी फिलहाल डेवलपमेंट है इस पूरे इंसिडेंट में। जी अमन, तो आप बता रहे हैं कि ड्राइवर को नींद लग गई थी, उनकी आंख लग गई थी, तो इसमें कहीं ना कहीं क्या बोल सकते हैं हम कि प्रशासन की लापरवाही रही है, क्योंकि समय समय पर चेकिंग होना अति आवश्यक बन जाता है, रात्रि के समय बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि पुलिस तैनात हो कुछ जगहों पर ताकि समय समय पर चेकिंग चलती रहे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो उसकी तरह तरह से विवेचनाएं होती हैं, क्या गलती थी, किसकी गलती थी, लेकिन प्रशासन को निश्चित तौर पर रात्रि का जो यातायात है उसके संबंध में कोई कानून तो बनाने चाहिए, ताकि, क्योंकि रात में लोग शराब पीकर भी गाड़ियां चलाते हैं, अनियंत्रित होकर खाली रोड पाकर बहुत तेज गति से वाहन चलाते हैं या इस तरह झपकी लग जाने से, नींद लग जाने से दुर्घटनाएं होती हैं, तो इस विषय में प्रशासन को कोई संज्ञान लेते हुए कुछ इस तरह के कायदे बनाने चाहिए जिससे कि ये जो रोड एक्सीडेंट है रात के समय खास तौर से जो होते हैं उनसे बचा जा सके। और जहां तक इस एक्सीडेंट की बात है तो ये बताया जा रहा है कि झपकी लगने की वजह से ये वाहन चालक जो है वो नियंत्रण खो बैठा गाड़ी से और गाड़ी पलट गई। तो कोशिश हमें यह भी करनी चाहिए कि ऐसा समय जिसमें इंसान सोते हैं या जिस समय इंसान को बहुत ज्यादा नींद आती है, रात के 12 बजे से सुबह के 4-5 बजे तक, इस दौरान हम वाहन चलाने से बचें, क्योंकि अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी या हम मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे ड्राइविंग करने के लिए तो इस तरह की घटनाएं और भी भविष्य में अंजाम होती रहेंगी, आती रहेंगी।
हर तरह से इसमें प्रयास किए जा सकते हैं, प्रशासन की तरफ से भी, लोगों की तरफ से भी, लेकिन दुखद घटना ये फिलहाल जो है इसमें होना ये चाहिए कि जल्द से जल्द ये भी पूरी घटना है इसकी जांच हो और इसके जो सही कारण हैं, क्योंकि अभी ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ड्राइवर की झपकी लगने से ये गाड़ी अनियंत्रित हो गई, लेकिन इस पूरी जांच जब होगी तब हम समझ पाएंगे कि ये किस तरह से हादसा हुआ। तो फिलहाल ये जांच की जा रही है पुलिस विभाग द्वारा, और उसमें जो भी रिपोर्ट निकल कर आती है उस हिसाब से फिर इसमें आगे कार्यवाही होगी। जी बिल्कुल सही कहा अमन आपने कि बहुत अहम बन जाता है लोगों को कई बातों का ध्यान रखना। जब भी उन्हें पता है कि लंबा सफ़र तय कर रहे हैं वो, तो उनको ये बहुत आवश्यक बन जाता है कि क्या उनको नींद आ रही है। अपने आप की भी सुविधा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। धन्यवाद अमन हमें जानकारी प्रदान कराने के लिए। उम्मीद यही होगी कि लोग इससे सबक लें और मानसिक तंदुरुस्ती के साथ ही वाहन चलाएं, क्योंकि वरना इस तरह की घटनाएं घटित हो सकती हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।